दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे अपने फोन में लॉगिन जीमेल आईडी को सिक्योर करके रख सकते हैं, कैसे जीमेल आईडी के टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करके अपने जीमेल आईडी को सिक्योर बनाते हैं। जीमेल आईडी में और भी कई सिक्योरिटी सेटिंग्स हैं, उनके बारे में हम आने वाले आगे के वीडियो में सीखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि टू स्टेप वेरिफिकेशन आप कैसे ऑन कर सकते हैं, उसके बारे में हम सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में आने के बाद गूगल यहाँ पर ढूंढना है, गूगल, और गूगल में चले जाना है। गूगल में आने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर में आपका जीमेल शो कर दिया जाएगा, वहीं पे आपको मैनेज योर गूगल अकाउंट शो होगा, उसमें आपको टच करके चले जाना है। या नहीं तो आप अपने जीमेल के द्वारा भी वहाँ जा सकते हैं, जीमेल को ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पर कोने में राइट साइड ऊपर में आपको जीमेल दिखेगा, यहाँ पर आपको जाने के बाद यहाँ पर मैनेज योर गूगल अकाउंट में टच करना है। अगर आपके फ़ोन में एक से अधिक जीमेल आईडी लॉगिन है तो आपको उस जीमेल को सेलेक्ट करना है जिस जीमेल में आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सिक्योरिटी का एक ऑप्शन दिखेगा, इसमें आपको टच करना है। यहीं पे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है और यहाँ पर आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन दिखेगा, उसमें आपको टच करना है। इसके बाद आपको गूगल क्रोम के द्वारा उसे ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है और यहाँ पर गेट स्टार्ट में क्लिक करना है। इसके बाद आपका जीमेल का जो भी पासवर्ड है उसे यहाँ पर इंटर करना है और इसके बाद नेक्स्ट करना है। अगर आप अपना जीमेल का पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड में क्लिक करके आप उसे न्यू पासवर्ड सेट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर यूज योर स्क्रीन लॉक, मतलब कि आपके स्क्रीन में जो भी लॉक लगा है उसे यूज़ करके आप यहाँ पर कंटिन्यू में क्लिक करके आप अपना स्क्रीन लॉक को यूज़ करके आप पासवर्ड न्यू सेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्रिएट पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड में क्लिक करने के बाद आप सेव पासवर्ड कर दीजिएगा, इसके बाद आपका न्यू पासवर्ड सेट हो जाएगा। फिर से आप न्यू पासवर्ड डाल करके आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए हम इसे स्किप कर देते हैं और अपने स्टेप्स को आगे बढ़ाते हैं। आपके जिस भी फ़ोन में आपका जीमेल आईडी लॉगिन है वो फ़ोन आपका यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको कंटिन्यू में क्लिक करना है। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डालना है और इसके बाद आपको टेक्स्ट मैसेज में क्लिक करके सेंड में क्लिक करना है। सेंड में क्लिक करते ही आपके उस नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा और उस ओटीपी को यहाँ पर डाल के आपको नेक्स्ट करना है। ओटीपी डालने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर वैलिडेटिंग पिन होगा। इसके बाद यहाँ पे आपका जीमेल आईडी और यहाँ पर मोबाइल आपके जो भी फ़ोन है वो यहाँ पर शो कर दिया जाएगा और इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे टर्न ऑन का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर टर्न ऑन में क्लिक कर देना है तो आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर दिया जाएगा। तो देखिए आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर दिया गया है। अगर आप ऑफ़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर टर्न ऑफ में क्लिक करके आप ऑफ़ भी कर सकते हैं। आपको फ़ोन नंबर चेंज करना है तो यहाँ पर ऐड फ़ोन नंबर में जा करके या यहाँ पेंसिल में क्लिक करके आप फ़ोन नंबर चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन में टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। तो ये टू स्टेप वेरिफिकेशन कैसे वर्क करता है इसके बारे में प्रैक्टिकल करके हम आगे के वीडियो में बताएंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखिए ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आप वीडियो देख सकें। जीमेल से रिलेटेड और भी कई सारी सिक्योरिटी सेटिंग्स हैं जिनके बारे में हम आने वाले एक एक वीडियो में हम सीखेंगे। आपके जीमेल आईडी को कैसे दूसरे लोग अपने फ़ोन में लॉगिन कर लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है, तो इसके बारे में आप कैसे अपने फ़ोन को सिक्योर कर पाए और भी सिक्योर कर पाए उसके लिए भी आपको वीडियो आने वाले आगे के वीडियो में देखने को मिलेगा।